देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है, जिसके तहत लगभग बीजेपी कार्यकर्ता अमृत कलश यात्रा निकाल देश के हर एक नागरिक से एक चुटकी माटी एक चुटकी चावल एकत्रित कर रहे हैं, जिससे शहीदों की शहादत को नमन करते हुए कर्तव्य पथ के समीप अमृत वाटिका का भव्य निर्माण किया जा सके। उसी कड़ी में आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज द्वारा खजूरी चौक पर स्थित कारगिल शहीद नायक दिनेश चंद्र शर्मा के शहीदी स्मारक पर आयोजित एक कार्यक्रम में शहीद के माता पिता हरिदास शर्मा, माता देवी की देवी शर्मा, भाभी गीता शर्मा एवं भतीजा आशीष शर्मा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान मेरी माटी मेरा देश के तहत अमृत कलश में स्मारक की मति ग्रहण की और शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद स्मारक पर लगभग 75 पौधे लगाकर अमृत वाटिका का सृजन किया। इस कार्यक्रम में जिला प्रभारी गजेंद्र यादव, उत्तर पूर्वी जिला अध्यक्ष पूनम चौहान, विधायक अजय महावर, मोहन सिंह बिष्ट, निगम पार्षद प्रीति नीरज गुप्ता, सत्य शर्मा, मास्टर सत्यपाल पूर्व, महिला मोर्चा अध्यक्ष मनी बंसल के साथ पार्टी पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। एक अभियोजित कार्यक्रम है जहां इस देश के इंडिया गेट पे देश के प्रत्येक गांव से, संभवतः जितने घरों से हो सके, प्रत्येक घर से मिट्टी या दो कण चावल आए और अमृत वाटिका बन रही है हमारे देश के शहीदों के लिए। वहां पे वो कलश लगाए जाएंगे, अमृत वाटिका हमेशा से शहीदों की याद में रहेगी। आज हम लोगों ने अपने क्षेत्र के अमर शहीद नायक दिनेश चंद्र शर्मा जी के माता पिता और परिवार की उपस्थिति में उनके हाथ से भी हमने इस कलश में थोड़ी मिट्टी डाली है और इसको हम लोग उस अमृत वाटिका में स्थापित करेंगे। मैं जनता लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग के क्षेत्र में भी अगर कोई किसी परिवार का बच्चा देश के लिए शहीद हुआ है और अभी तक उसकी कोई मूर्ति नहीं लगी, तो हमको जरूर सूचना करें। हम मीडिया के लोगों से भी प्रार्थना करते हैं, हम जैसे दिनेश चंद्र शर्मा जी की मूर्ति लगा करके उनको सम्मानित किए हैं, वैसे ही उन परिवारों से मिलेंगे, उनके उनको भी सम्मान देते हुए मूर्तियां लगा। ये एक छोटी सी बात है, वैसे योजना में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा स्थान मिला है, लेकिन भविष्य में जरूरत हमको मौका मिलेगा तो इसको और भी अच्छे स्थान पर ले जाएंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।